भारत को ऐसे ही नदियों का देश नहीं कहते हैं। भारत में करीब 400 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। कुछ को धार्मिक दर्जा दिया गया है तो कुछ को आध्यात्मिक, लेकिन सबके पीछे का लक्ष्य उनका संरक्षण है। आज भी सरकार से लेकर जनता सबका लक्ष्य है कि देश की नदियों को, इन धरोहरों को बचाना है। आज हम आपको देश की एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने वाले हैं जो झारखंड से होते हुए बहती है। इस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सोने की नदी। इसका असली नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी में पानी ही नहीं बल्कि पानी के साथ साथ सोना भी बहता है। अपनी इस विशेषता के चलते ये देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे सोने की नदी भी कहते हैं। झारखंड से बहते हुए ये नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बालेश्वर नाम की जगह में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल जीवन ही नहीं बल्कि गाँव के मनुष्यों का भी पेट भरती है ये नदी। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी से सोना इकट्ठा करने में आदिवासी लोग सुबह से लग जाते हैं। दिन भर ये लोग मेहनत करते हैं और खोज खोज कर नदी से छान छान कर सोने के कणों को इकट्ठा करते हैं। कई सालों से इन ग्रामीणों की पीढ़ियां यही काम कर रही हैं। तमाड़ और सारंडा जैसे कई इलाके हैं जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे सुबह उठकर नदी से सोने के कण इकट्ठा करने के काम में लग जाते हैं। आखिर क्या है नदी से सोने के निकलने का राज? एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि नदी कुछ चट्टानों से होते हुए उन्हें काटते हुए गुजरती है, जिस वजह से चट्टानों से मिलने वाले सोने के टुकड़े टूटकर नदी में मिल जाते हैं। लेकिन इस क्लेम के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन कणों को ग्रामीण उनके पूर्वज कई सालों से इकट्ठा करते आ रहे हैं और इन्हीं की मदद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये थी हमारे देश की एक ऐसी नदी जो कि एक प्राकृतिक धरोहर ही नहीं मनुष्यता का पेट भरने में भी सहायता कर रही है। ऐसी धरोहरों को बचाना तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी हमारी धरोहरों के बारे में अवेयर हो जाएं। और इस प्रकार के अमेजिंग फैक्ट्स या फिर लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर दबाएं।